संसद सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी, राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ अब तृणमूल कांग्रेस का वॉकआउट। विपक्ष के रवैये पर भड़के राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, बोले 1962 में पहली बार निलंबित हुए थे सांसद, क्या सभी सरकारें अलोकतांत्रिक। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना, बोले हम बीजेपी को हराना चाहते हैं पर कुछ लोग उनकी मदद कर रहे। अपने ही सांसद के निशाने पर बीजेपी सरकार, यूपी टेट लीक के बहाने वरुण गांधी का बीजेपी सरकार पर वार, बोले कब तक सब्र करें। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक और खुलासा, बिना टेंडर निकाले पेपर छापने का दिया गया ठेका, अब तक कई लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। जल्द दिल्ली पहुंच सकते हैं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात, गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में अभी तक कम नहीं हुआ प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा दिल्ली सरकार साफ करे राजधानी में स्कूल खुले हैं या बंद। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक, आज कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जानकारी देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। भारत में कम हुए कोरोना के आंकड़े, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 केस आए सामने, 477 लोगों ने गंवाई जान। चक्रवाती तूफान जवाद का कहर, तूफान के मद्देनजर रेलवे ने किया ऐलान, 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द की 95 ट्रेनें। रूस और अमेरिका में बढ़ी तनातनी, अब रूस ने अमेरिकी दूतावास के कई कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अमेरिका लौटने का दिया आदेश। चीन लाओस रेलवे की होगी शुरुआत, इस रेलवे से दक्षिण पूर्वी एशिया तक आसान होगी ड्रैगन की पहुंच। यूएस में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस, टीके की दोनों डोज ले चुके दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले यात्री में पुष्टि। 23 देशों तक फैला कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, WHO प्रमुख ने दी चेतावनी, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से भी घातक। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को लेकर जताई चिंता, अपनी नई रिपोर्ट में की भविष्यवाणी, रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की GDP एक साल में 20% सिकुड़ सकती है। ATM से कैश निकालना नए साल से होगा महंगा, तय लिमिट से ज्यादा हर निकासी पर 1 जनवरी 2022 से देना पड़ेगा ज्यादा चार्ज। यूरिया और DAP की कीमतों में बेहताशा वृद्धि, 2021-22 में रिकॉर्ड 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है खाद सब्सिडी। द रेलवे मैन में दिखेगी भोपाल गैस त्रासदी की अनकही दास्ता, यशराज फिल्म्स ने रिलीज किया फिल्म का फर्स्ट लुक। कमाल राशिद खान उर्फ KRK ने फिल्म में दीपिका पादुकोण के लुक का उड़ाया मजाक, 83 में दीपिका पादुकोण से मिलाई पाक क्रिकेटर रमीज रजा की शक्ल, लोग बोले भाई एकदम सही। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए इस सप्ताह होगा टीम इंडिया का चयन, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी समेत दिग्गजों की वापसी लगभग तय।